गुड इवनिंग। अभी है 7:30, तो हम लोग जा रहे हैं, जीत को देखिए, तो हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट शॉपिंग मॉल, चैडस्टोन शॉपिंग मॉल। तो चलिए, जितना हो सके मैं ट्राई करूँगी दिखाने की। तो चलिए फिर हम लोग पहुंच चुके हैं चैडस्टोन शॉपिंग मॉल, और अभी शाम के टाइम आए हैं इसलिए हमें ऊपर पार्किंग मिल रही है, लेकिन हमें पार्किंग के लिए आधा घंटा ऐसे घूमना पड़ता है, क्योंकि अगर आप दिन के टाइम आए तो ये पूरा भरा रहता है, इसलिए बेसमेंट पर जाना पड़ता है। 10,000 पार्किंग स्पेसेस है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है तो भीड़ भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि शाम के टाइम ही आए। तो लकी ही ये शॉपिंग सेंटर हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है, तो वैसे हम लोग आते ही रहते हैं। तो आज कुछ खास शॉपिंग नहीं करनी, बस जीत के लिए कुछ टॉयज खरीदनी थी, तो बस वही, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो चलिए फिर, हम लोग शॉपिंग सेंटर के अंदर आ चुके हैं, और आज सैटरडे है इसलिए ज़्यादातर स्टोर्स जो है वो 6 या 7 बजे बंद हो जाती है। तो वैसे हम लोग आज तो जल्दी आए, हम लोग आते हैं 9 या 9:30 बजे घर से निकलते हैं, तब तो एकदम खाली रहते हैं, एकदम खाली। तो मतलब ब्लॉग बनाने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको स्टोर्स दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए अच्छा नहीं होगा। तो हो सके तो मैं एक और एक ब्लॉग बनाऊंगी इसके बाद आपको पूरा दिखाने के लिए, क्योंकि आज तो ज़्यादातर स्टोर्स बंद ही हो चुके होंगे। तो देखती हूँ कितना आपको दिखा सकती हूँ, और भीड़ एकदम नहीं है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इतना भीड़ की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, चलना मुश्किल हो जाता है इतना भीड़। शॉपिंग मॉल में आपका 550 से भी ऊपर स्टोर्स है, और इसमें से 30 इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड है। तो ये तो बहुत बड़ी है, इतना बड़ा है कि जब हम लोग पहले आते थे तो हम लोग घूम जाते थे, मतलब एग्जिट किधर से करें हम लोग को पता ही नहीं चलता था, और कौन से शॉप किधर है हम लोग को, मतलब गूगल मैप देखते थे लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते थे, घंटों ऐसे घूमते रहते थे। अब तो बहुत बार आ चुके हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं होता, अब समझ गए हैं कहाँ से जाना कहाँ से आना। अभी 8 बज चुके हैं, और यहाँ जो अच्छे कपड़े का जो कलेक्शन रहते हैं वहाँ जा रहा है HM है, तो वो अभी 9 बजे बंद हो जाएंगे। तो देखती हूँ कितना दिखा सकती हूँ आपको, तो वही पास पर है HM, तो चलते हैं HM। फूड कोर्ट, तो हम लोग शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, तो पहले शॉपिंग कर लेते हैं, जीत के लिए कुछ करना है, और कुछ मेरे लिए भी देख ली थी, मेरे लिए तो लेना नहीं था लेकिन आई है तो एक दो तो ले ही लेते हैं। तो
अभी पहले मैं अपने लिए थोड़ा देख लेती हूँ, जीत के लिए बाद में जाती हूँ, क्योंकि जीत के लिए जाना है केमार्ट। तो वो शॉपिंग सेंटर जैसे 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन सैटरडे है आज, तो शायद वो 10 बजे बंद हो जाएंगे। तो ये है HM और यहाँ पर भी अच्छे कलेक्शन रहते हैं। तो चलिए अच्छा तुम्हारे किन वर्ष ना लगाए HM। हाँ चल, तो अभी हम लोग HM आए हैं मेरे लिए कुछ देखते क्या करने के लिए। खुले जीत के लिए मैन और किड्स ऊपर है, मैन और किड्स बैठकर बात कर रहे थे। तो पहले मैं अपना देख लूँ, तुम ही तुम्हारे साथ। HM के पास ही है एक और ये एक स्टोर, तो यहाँ के कलेक्शन भी थोड़ा देख लेती हूँ, कोई अगर पसंद आए तो। तो ये एक चाइनीज़ है, क्या नाम है पता नहीं, चाइनीज़ में लिखा था। ये है कॉस्मेटिक शॉप, और लास्ट टाइम मैंने यहाँ से एक लिपस्टिक ली थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और सेल भी चलती रहती है। तो अभी मुझे कुछ नीड नहीं है, तो अभी मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्रिसमस के टाइम पर जो कैसे सजाई थी, कैसे डेकोरेशन की थी इस मॉल को, तो कुछ क्लिपिंग और कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर रही हूँ। तो ये हम लोग आए थे यहाँ पर बॉक्सिंग डे में, तो बॉक्सिंग डे में ऐसे बहुत डिस्काउंट होते हैं, चीज़ों में सेल होती है, लेकिन हमें जो चाहिए था उसमें कुछ भी डिस्काउंट और कुछ नहीं था। तो अब जाकर हम लोग आए हैं सही जगह, जीत का फेवरेट स्टोर केमार्ट, जहां से जीत लेते हैं अपना टॉयज। तो जीत अभी बहुत खुश है और डांस भी करने लगे, तब से बोल रहे थे कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, तो अभी आ गए और जीत ले रहे हैं, उनके पापा भी देख रहे हैं। तो ये है बहुत से टॉयज। तो जीत यहाँ पर बहुत परेशान है, क्योंकि उनके जो स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनके पास जो पेंसिल बॉक्स है वो यहाँ पर मिल नहीं रही है। तो जीत को समझ नहीं आ रही कि कौन सा पेंसिल बॉक्स ले, तो उनके पापा वो बोल रहे वो वाला अच्छा है तो वो ले लो, लेकिन जीत वही सर्च कर रहे हैं कि वो वाला पेंसिल बॉक्स किधर है जो उनके फ्रेंड्स के पास है। तो जीत वही ढूँढ रहे हैं यहाँ पर।
मैं सर्च कर रही हूँ जीत के लिए एक स्टोरी बुक, देखती हूँ कहाँ मिलते हैं। कौन सा ले रहे हो जीत? यहाँ पर बहुत से 20 सेट्स है, जीत को कौन सा लेना है पता नहीं। कौन सा लेना है जीत? तो ऑलमोस्ट हमारा शॉपिंग हो चुके है और कुछ ग्रोसरी के सामान लेना है, घर की जो कुछ चीज़ें खत्म हो गई तो वही हम ले रहे हैं अभी। तो आज तो सैटरडे है, जल्दी से स्टोर बंद हो जाएंगे तो जल्दी से ले लेते हैं, नहीं तो और दिन तो 12 बजे 11 बजे तक खुला रहते हैं तो जल्दी से ले लेते, नहीं तो ये भी बंद हो जाएंगे। आने वाले हमें घर और जीत यहाँ पर टायर्ड हो गए हैं और भूख भी लगी है, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट होटल सभी बंद हो गए हैं क्योंकि 10 बजे है और सैटरडे को 10 बजे बंद हो जाती है। तो के मार्ट ये 12 बजे तक ऐसे आपका ऑपरेट रहता है, लेकिन सैटरडे है इसलिए आज 10 बजे बंद हो गया। जब हम लोग आए थे तो पूरा यहाँ पर भीड़ ही भीड़ था, पूरा भीड़ और अभी 10 बजते ही देखिए पूरा खाली, एकदम खाली, सबसे बिगेस्ट शॉपिंग सेंटर भी खाली एकदम। और आज सैटरडे है इसलिए रात 10 बजे तक ही सब, मतलब ज़्यादातर जो स्टोर्स थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो लाइट भी देखिए, लाइट भी बहुत कम है और ये गेट जो ऑटोमेटिक खुल जाती है उसको भी प्रेस करके खोलना पड़ रहा है, हम लगता रहा है कि हम लोग ही लास्ट है शायद तो दिन के टाइम तो अब मुझे लगता है यहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यहाँ पर लंच करने या डिनर करने आते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि जब हम लोग शॉपिंग हो जाएगी तो हम लोग कुछ खाना खा लेंगे, लेकिन सभी रेस्टोरेंट्स बंद और कुछ ग्रॉसरी की जो कोल्स और के मार्ट वही खुले थे, तो वही करके हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ से कुछ दो एक चीज़ नहीं मिले तो वहाँ पर बाहर भी है एक वूलवर्थ्स बोल के, वहाँ पर भी जीत के पापा भी जाएंगे तो हम लोग बाहर बैठेंगे जीत और मैं। जीत तो एकदम टायर्ड हो चुके हैं तो हम लोग अभी यहाँ पर बैठेंगे और जीत के पापा जाएंगे अंदर। दो एक सामान वहाँ से नहीं मिले तो यहाँ पर बस भी आती है, तो कोई अगर CBD से या कहीं से आना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आती है। जो इंडिया में खाते थे वो किंडर जो लिया जीतने, किंडर सरप्राइज है ये ऑस्ट्रेलियन। और देखिए यहाँ पर पार्किंग के लिए हमें जगह नहीं मिलती ऐसे दिन के टाइम, और अभी पूरा खाली क्योंकि सभी स्टोर्स तो बंद है तो कोई पार्किंग क्यों करेगा यहाँ पर। और 90 मिनट लिखा हुआ है और पूरा खाली, और यहाँ से स्पेस यहाँ भर जाते हैं तो यहाँ है नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसके नीचे भी दो लेवल है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।